दोस्तों हम कई तरह के पौधा लगाते हैं, सीजनल परमानेंट वाला पौधा, शो प्लांट। आज मैं सीजनल एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा जो परमानेंट भी है और सीजन वाला भी है। एक ही पौधा में दो तरह की बात है, तो कौन सा पौधा लगाने से सीजनल रहेगा और कौन सा लगाने से परमानेंट रहेगा वो पूरा बताऊंगा। उसको रख रखाव कैसा है, खाद कैसे डालना है, दवाई कौन से डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कितना बड़ा गमले में लगाना है, कब तक फूल खिलेगा, कैसे बीजा बनेगा, कैसे उसका बीज बनेगा, सब चीज़ बताऊंगा। दोस्तों देवनाथ चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों आइए जानते हैं जिसको पौधा के जो बिनका रोजिया बोलते हैं या सदाबहार बोलते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। एक बार आप खरीद के ले जाएंगे, खरीदने भी जाएंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, उस टाइप का सब बताऊंगा। दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए सदा सुहागिन का पौधा है, इसमें कम से कम 8-10 कलर आता है, बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसमें देसी भी आता है और हाइब्रिड भी आता है। तो हाइब्रिड आप लगाएंगे तो तीन से चार महीना रहता है, उसको तीन चार महीना किस टाइप करेंगे तो फूल खिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। और देसी जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये देसी वाला है, देसी का हाइट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें बस दो ही कलर आता है दोस्तों, इसमें गुलाबी आता है और सफ़ेद आता है, ये परमानेंट रहता है। खिलते खिलते इसका और भी पौधे का नया बहुत सारा बीज निकल के गिरता है और उससे नया पौधा निकल जाता है, आप उसे और भी बढ़ा सकते हैं। एक पौधा काफ़ी दिन चलता भी है दोस्तों, 2 से 3 साल चलेगा, उसके बाद पुराना होने के बाद फूल कम हो जाता है। तो आप इसका जो बीज गिर के नीचा गिर गया उस बहुत सारा उग जाता है, तो उसको निकाल के आप बहुत सारा बना सकते हैं, क्योंकि इतना बारीक बीजा होता है आप बना नहीं पाएंगे, तो आप गमले में ही इंतजार कीजिए, अपने से गिर के नया निकल जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। हाईब्रिड का भी ऐसी है, लेकिन हाईब्रिड वाला क्या होता है, बारिश गिरता है ज़्यादा मात्रा में पानी गिरेगा तो पौधा मर जाता है। अभी खिलेगा, गर्मी तक खिलेगा, अभी जैसे लगा दिए तो 4 महीने 6 महीने में खिल जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा पानी गिरने से ये पौधा मरने का डर रहता है, मर भी जाता है। कई बार ऑक्सीजन में ही, सर्दी में भी ज़्यादा बारिश हो जाता है 2-3 दिन, तो पिटोनिया बिनका सीजनल पौधा जितना भी रहता है ज़्यादातर 80% पौधा मर जाते हैं। ज़्यादा सीजन का पौधा लगाए हैं तो अगर बारिश गिर रहा है तो आप चाहे तो उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर पानी ना पड़े और खुला भी रहे, तो फिर पानी खत्म होने के बाद आप उसको रख सकते हैं। बरसात के दिन में तो खैर उतना पॉसिबल नहीं है, तो उससे पहले आप क्या कीजिए, भले वो पौधा हटा के फिर बारिश में नया पौधा लगा के इसी का यही वाला पौधा आप ला सकते हैं, और ला के आपके पास झिली का व्यवस्था है तो झिली में रख सकते हैं। लगाए हैं तो इसमें खाद क्या डालना है बताऊंगा, ये पौधा खराब नहीं होगा। दवाई भी क्या, जैसे लगा दिए फूल खिल रहा है, खिलते खिलते खराब जो हो रहा है इसको काट देना चाहिए। इसको खराब क्यों हुआ है, जैसे ये थोड़ा पौधा पुराना हो गया है इसीलिए खराब हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, कुछ भी कर लेंगे दोस्तों, ये परमानेंट वाला पौधा नहीं है, 12 महीना कभी नहीं खिलेगा, तो इसको 12 महीना के चक्कर मत रहेंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे ये पौधा मर गया है। अब हम लोग क्या कि भरे थे, इसके अंदर में झिल्ली में छेदा नहीं था, पानी भर गया था, नमी बना के पौधा मर गया, सड़ गया, तो इसलिए ज़्यादा नमी से भी ये पौधा मर जाता है। पानी अगर गर्मी ठंडी का दिन में पानी 2 दिन में एक बार डालना चाहिए इसमें, और जब भी डाले पानी तो उसको धो के डाले दोस्तों। सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको, इसको कभी भी लगाए तो इसको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये सदाबहार जो पौधा है ना, इसमें खाद बहुत कम लगता है, दवाई भी कम लगता है, कौन सी दवाई डालना है बताऊंगा। तो इसके लिए गमला कभी भी रखे 10 नंबर या 12 नंबर भी रख सकते हैं, थोड़ा 12 नंबर बड़ा हो जाएगा, 8 नंबर 10 नंबर रखिए, और उसमें क्या कीजिए कि और गोबर खाद बराबर मात्रा मिला दीजिए, क्योंकि आगे चल के इसमें खाद उतना डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभार आप चाहे तो सरसों का लीजिए आगे डाल सकते हैं, या DAP थोड़ा सा 1 चम्मच DAP हो, ग्रूमर हो, उसको डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, पौधे को के लगा दीजिए, और कई बार एक गलती से पौधा मर जाता है जो मैं बताऊंगा आपको, वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ये सब करते करते सीखे हैं, समझे हैं, तो वो चीज़ आपको आपके पास मैं बता रहा हूँ जो आपका पौधा ना मरे। हमारे से कई बार गलती हुआ है, पौधा मरा है, कई बार पौधा कौन सा खाद डालने से बड़ा होता है, कई बार पौधा खाद डालने से मर जाता है, तो जो मैं खाद डाला हूँ मर गया है पौधा, वो खाद बताऊँगा, ताकि वो आप मत डालिएगा, वो डालने से ख़राब हो जाएगा, वो दवाई डालने से ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो ये हाइब्रिड पौधा है, ये परमानेंट कभी नहीं रहता है, कहीं से भी लाइए, ये सीजनल ही पौधा है, 4 से 6 महीने रहेगा, उसके बाद ख़राब हो जाता है। हाँ, इसका बीज गिर के निकलेगा तो हो गया, तो हो गया, नहीं तो फिर आप दूसरा पौधा ला सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, कभी भी दोस्तों ये ऐसा पौधा ना, इसका पत्ता में कभी बीमारी जल्दी नहीं लगता है, तो इसमें आप कीड़ा का दवाई डालिएगा मत, कीटनाशक दवाई डालेंगे तो ये पौधा ना इस टाइप का सिकुड़ जाएगा, पूरा ख़राब होने लगेगा। ये देखिए दोस्तों इस टाइप का हो जाएगा, या फिर ये देखिए अभी कटिंग किया था इसके पहले थोड़ा देर पहले, ये पूरा जलने लगता है, ये इसमें जब भी डालेंगे तो फंगीसाइड दवाई। दोस्तों ये सदा सुहागिन का जो पौधा है बहुत ही बढ़िया है, सदाबहार भी बोलते हैं इसको, सदा सुहागिन भी बोलते हैं या बिनका रोजिया बोलते हैं। आप एक बार इसको लगाइए, छोटे छोटे गमले में लगाइए, बहुत सारा खिलता है, गर्मी में भी खिलता है, लेकिन गर्मी का अलग पौधा आता है, और इस गर्मी का अलग आता है, सीजन का अलग आता है,
उसी हिसाब से आप ले लीजिए। और देसी वाला में दो ही कलर आता है उसको लीजिए। दवाई में कभी पाउडर डालेंगे फंगीसाइड। दोस्तों आप कोई भी पौधा लगाते हैं, लगाने के बाद उसको कम से कम हफ्ते दस दिन में टाइम निकाल के इसको कोरा जरूर कीजिएगा। कोरा करने से दो तीन तरह का फायदा होता है। एक तो मिट्टी हल्का हो जाता है, दूसरे नंबर में जितना भी इसमें जंगल रहता है, वन रहता है, जो एक्स्ट्रा जो फालतू जंगल रहता है उसको हम निकाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी हम खाद दवाई डालते हैं तो उसको नहीं मिलता है, पूरा पौधे को पोषण मिलता है, तो पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और घना भी दिखता है, गमला देखने में भी सुंदर लगता है। नहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा जंगल निकलता है, उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों। आप पौधा भले इतना ही लगाइए जितना हम मेंटेन कर पाए, ज़्यादा मत लगाइए, जितना मेंटेन कर पाए उतना आप लगाइए, बाकी कोई ज़्यादा इसको पौधा लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। बाकी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, कब कैसे क्या करना है बताऊंगा आपको दोस्तों, ऐसे ही नया नया वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।